नमस्कार, मैं उर्विका सरस्वती न्यानी 64 में आपका स्वागत करती हूँ। जहाँ प्रधानमंत्री खुद झाड़ू उठाकर देश में साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम में प्रधानमंत्री की साफ सफाई की धज्जियां उड़ा दी गई। आप हमारे पास आई हुई इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 85 में किस तरीके से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई नहीं है। एक और ले लो। मेरा नाम पार्षद अमनदीप सिंह गंभीर, वार्ड 85 लाजपत नगर से। आज हम पूरे वार्ड की जनता ने मिलकर जलकल विभाग एवं नगर निगम विभाग की जिसकी समस्या पूरे रंजीत नगर, सरबोधा कॉलोनी, शिवाजी नगर की पूरे सीवर लाइन चौक है, गंदा पानी निरंतर आ रहा है और ये नगर निगम एवं जलकल के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोने का काम कर रहे हैं। आज पूरे वार्ड की जनता ने मिलकर रोष प्रकट कर रही है और निरंतर ये जब तक काम नहीं प्रॉपर होगा, ये जनता ने वादा किया है कि हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। और हम ही लोगों के पैसे से बैठे हैं आशियाने पे और हम लोगों को यहाँ बिठा दिया है गंदे नाले पे, तो ये इन लोगों की भावना है। रवि, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। डेढ़ साल से अब कुछ समय से जो ये है कि निरंतर लोगों के घर में पानी, सीवर का पानी जा रहा है। भैया, ये मेन लाइन चौक है और आगे ध्वस्त पड़ी हुई है, कोई बना नहीं रहा 3 साल से। नीचे जेई से लेके मुख्यमंत्री तक, डीएम से लेके नगर आयुक्त तक, सबको उच्च अधिकारी को सूचना है कि पूरी सीवर लाइन चौक है। मैंने नगर आयुक्त को सूचना भी दी थी, जब पानी बरसा था तो पूरे रोड का पानी भरा था। पूरे उच्च अधिकारियों को कानून में जू नहीं रेंग रही। आज उसी को लेके उनको भगत सिंह कहा करते थे, गुंगो बहरों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका करना जरूरी है। आज हम लोग सब बैठ के धमाका कर रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम अमनदीप सिंह गंभीर। भारत संघर्ष करो, ये धरना निरंतर बरकरार रहेगा और जब तक मैं वादा कर रहा हूँ, जब तक ये लोग काम नहीं स्टार्ट प्रॉपर तरीके से करेंगे, हम लोग यहाँ से। गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने पत्रकार इस मधु तलवार के निधन पर अपने सत्संग परिवार के साथ भारत माता और इष्ट भगवान को याद करते हुए मौन धारण किया और दी श्रद्धांजलि।